अजमेर के कोटड़ा इलाके में शुक्रवार देर रात एक दुकान में लगी आग से हंडकंप मच गया। इस आग में दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। घटना रात लगभग 2 बजे की है, जब कोटड़ा स्ट्रीट फ्लोरेस कॉटेज के निकट राहुल फैंसी व फुटवेयर स्टोर से निकल रहे धुएं और आग की लपट ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। देखते ही देखते इस आग में भयानक रूप धारण कर लिया। मामले की सूचना मिलने के बाद तुरंत पहुंची टाटा पावर कंपनी के अधिकारियों ने इलाके की विद्युत सप्लाई को काटा और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। यह आग शनिवार अल सुबह तक भी धधकती नजर आ रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस आग से दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और दुकान में रखा लाखों रुपए का माल स्वाहा हो गया है। ये कहां पर आग लगी है? ये यहाँ कोटड़ा के अंदर फ्लोरेंस के जस्ट पास है। यहाँ पे ये 3-4 दुकानें एक साथ ही, तो यहाँ पे 5-6 दुकानें एक साथ। तो ये क्या है, जो हरमर वाले हैं उनके यहाँ पे एकदम से मतलब आग लग गई। किसी ने बताया कि यार यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो एकदम हम देखने गए तो अगवाती फिर अभी ताला इनका तोड़ा और जैसे ही फिर टाटा पावर वाले भी वहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने फोन किया और अपने जो साथी कर्मचारी हैं उनको बुलाया और तुरंत आग बुझाई और आग बुझा दी गई और करीबन लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है इनका। अच्छा। सारा माल जल चुका है। प्लास्टिक दुकान का नाम है, ये तो हर माल वाले के नाम से फैंसी डाल रखा था इन्होंने, फैंसी स्टोर और प्लस जूती चप्पल वगैरह सारी थे इनके पास, राहुल फैंसी स्टोर है, ये सारे डाला हुआ था। लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, 1-1.5 लाख रुपए का माल पूरा मतलब खत्म हो चुका है, सारा प्लास्टिक का माल।